हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, जो लोग नए ऐड हुए हैं, देखिएगा आपके इधर एक चैट बॉक्स होगा, आप जो हैं वहां पे अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछना नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन सेशन अलग से रखा जाएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी आप पूछेंगे तो काफी सारे लोग हैं आप, तो मैं जवाब देने में रह जाऊंगा बस, और अपनी बात आपको बता नहीं पाऊंगा। नमस्ते, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हेलो प्रीतेश, हेलो प्रियन, हेलो लोकेश, हेलो अभय, ऐश्वर्या। लैपटॉप में कैसे चलेगा? देखिए, लैपटॉप में आप क्या करिएगा कि गूगल पे जाके क्लास प्लस लॉगिन करिएगा, क्लास प्लस लॉगिन, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है? इसके बाद आपसे मांगेगा वो ORG कोड बताओ, तो ORG कोड आप दे देना उसको, YTPWE, ठीक है? गूगल पे जाना और वहां पे आप क्लास प्लस लॉगिन कर देना, है ना? और वहां से आपको कोड मांगा जाएगा, ORG कोड, तो वो मैंने आपको बता दिया है, YTPW चल जाएगा, ठीक है? चलिए, हेलो जयश्री, हेलो कुलदीप, हेलो ममता। लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, आपके नंबर से लॉगिन हो जाएगा, ओटीपी ले लेना आप वहां से, ठीक है? हेलो श्वेता, हेलो हिमांशु, हेलो अविनाश। सर, आपका पॉडकास्ट आएगा आएगा, कल कल या परसों तक आने वाला है। चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। बोलो, किस किस को सीखना है जादू? देखिए, जिस जगह पे आप हैं, है ना, ये जो दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे जादू होता है, मिरेकल्स होते हैं, और उसके लिए पहले आपको जादूगर बनना पड़ता है, ठीक है? ये ऐसी दुनिया नहीं है कि जहां पे बस दुख देखते रहो, परेशान होते रहो, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जो लोग इस बारे में हमेशा चिंता करते रहते हैं, तो उनको आगे और चिंताएं दे दी जाती है, एक चिंता खत्म होने के बाद दूसरी चिंता, दूसरी होने के बाद तीसरी चिंता, है ना? अब वो क्या है ना कि यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते कहीं ना कहीं। तो जब यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो कंप्लेनिंग नेचर के बन जाते हैं, वो ब्लेम करते हैं हर जगह। तो ज्यादातर लोगों की लाइफ खराब होती है कंप्लेन करने से, ब्लेम करने से, और अंदर ही अंदर गिल्ट करने से कि मैं अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता, है ना? लेकिन जिस व्यक्ति को जो यूनिवर्स के नियम है वो जब पता लग जाते हैं, तो वो हर परिस्थिति में बड़ा शांत रहता है, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि जो कुछ होना था वही हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जादू सीखेंगे, आपको मैं जादूगर बनाऊंगा। देखो, आप और मैं और सभी लोग, वही चेहरा है ना, वही आंखें, कान, नाक, वही हाथ, पांच उंगलियां मेरे भी है, पांच आपके भी है, 10 है टोटल, है ना? लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है ना, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं और किसी को सुन रहा हूं, वो और किसी को सुन रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है वाइब्रेशन का और अंडरस्टैंडिंग का। तो यहाँ पे ये बॉडी मैटर नहीं कर रही है किसी की भी, है ना? क्योंकि अगर बॉडी मैटर करती तो जो व्यक्ति उम्र में ज्यादा बड़ा है उसको ज्यादा आना चाहिए था, जो उम्र में कम है उसको कम आना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उम्र का कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो केवल और केवल वाइब्रेशन का होता है। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे वाइब्रेशन के ऊपर, हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जितने भी लोग जो आपने देखे हैं, जो आज बहुत आगे हैं या जो जीवन में कुछ कमाल कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग हैं जिनको यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। हालांकि आज आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपको ये बातें पता चल रही है
है ना, ये बातें पता भी हर किसी को नहीं चलती है, ये बातें समय आने पे पता चलती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने तो इस कम से कम संदीप आज वाली क्लास सब देख रहे हैं, है ना, जो पुराने कोर्स वाले हैं ना, फर्स्ट क्लास सभी कोर्स में रहती है कल से फिर इसमें रहेगी, इसलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अब जनरली क्या होता है पता है कि कई लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वो कौन लोग होते हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग बोलते होंगे, मैंने खुद ने भी बोला था शुरुआती दौर में। तो वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जो YouTube पे कोई एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आप अपने मन चाहे पसंदीदा व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं केवल 21 दिनों में, ये टेक्निक लगाइए, है ना, आप जितना चाहें पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं इतने दिनों में, ये टेक्निक लगाइए। तो अब YouTube पे जो वीडियो होता है वो पर्टिकुलर होता है ना, जैसे वाटर टेक्निक के बारे में बता दिया, ठीक है, जैसे स्क्रिप्टिंग के बारे में बता दिया, तो ऐसे पर्टिकुलर कोर्स होता है, वो वीडियो होता है। अब लोग क्या करते हैं ना, उस वीडियो को देखते हैं और उसमें जो बात बताई जाती है उसको करते हैं, है ना। प्रियन देखते रहो, ये आज वाली जो क्लास है ना ये सबके इसमें चलेगी, ठीक है। आज वाली क्लास जो है वो सब जितने भी पुराने स्टूडेंट्स है ना हर कोर्स के सब देख रहे हैं, चिंता मत करो। हाँ तो मैं कहाँ था, एक मिनट पानी पी लो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, एक नंबर। हाँ कोई बात नहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना कि बेसिक इसका जानना जरूरी है, केवल अगर हम कुछ टेक्निक्स लगा लेंगे, अगर मैं जैसे वाटर टेक्निक लगा लूँ, ये मैंने पानी भर लिया और मैं इसमें बैठा बैठा बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, थैंक यू यूनिवर्स, है ना, तो इससे अगर पैसा आ जाता ना तो हर आदमी आज पानी की बॉटल लेके बैठा होता है ना, और हर आदमी जो है स्कीम भी बता रहा होता कि यार एक काम करूं, मैं छोटे वाले भाई को भी बता देता हूँ, हाँ एक काम कर, एक पानी की बोतल ले लेना और उसको ऐसे सामने रख के उसमें बोलना पैसा आ जा पैसा आ जा, है ना, पैसा आ जाएगा, चलो ठीक है, मैं मामा जी को भी फोन लगा रहा हूँ, हाँ हाँ मामा, अरे मैं बोल रहा था एक पानी की बोतल ले लेना और उसमें ऐसे बोलना है अपने को पानी, वो पानी नहीं रहे, पानी तो है उसमें, पानी भरना है उसमें, ठीक है, और ऐसे बोलना पैसा आ जा पैसा आ जा पैसा आ जा, तो वो पैसा आ जाएगा, ठीक है, सबको बता देना इसकी। आप खुद विचार करो, अगर ऐसा होता तो सबके पास पैसा आ जाता, ऐसा नहीं होता है, कुछ बेसिक लॉज होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं और वो हमें हमेशा करने होते हैं ऑल टाइम, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बैठ गए और ऐसे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं जो है, बहुत सारे लोग बताते हैं ना ऐसा, ये जादुई शंख है, हाँ सब बताएंगे डोंट वरी, ये जादुई शंख है। अब ये जो जादुई शंख है ना ये मेरे लिए काम करेगा पूरा, मैं अगर चाहूंगा कि आज से 6 महीने बाद मुझे ये वाली गाड़ी लानी है तो ये जादुई शंख मुझे दे देगा, पर ये शंख अगर मैं आपको दूंगा ये लो, आपके कुछ नहीं काम करेगा ये, क्यों, क्योंकि जो काम कर रहा है वो ये शंख नहीं कर रहा है, वो मेरा माइंडसेट कर रहा है, जो मैंने प्रोग्राम किया है, जो मैंने वाइब्रेशन मैच की है ना, जो मेरा इतने समय का बिलीफ सिस्टम है, जो मैंने बिलीफ बनाया है किसी चीज को लेके कि मेरे तो काम बन जाते हैं, मेरा तो कोई काम नहीं अटकता है ना, हाँ मेरे साथ तो जितने भी लोग हैं मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं तो किसी से भी मिलता हूं तो मेरा हम हर जगह सम्मान होता है, अब ये क्या, ये मैंने बिलीफ बना रखा है। अब आपने देखा होगा एक वो लोग होते हैं जो हमेशा क्या बोलते हैं, अरे हमसे तो कोई बात ही नहीं करता ठीक से, है ना, अरे कलयुग आ गया है आजकल तो किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, है ना, हम तो वहां जाते हैं तो हम तो हमसे तो कोई पानी की भी नहीं पूछता, तो उनके साथ वैसा ही होगा क्योंकि उन्होंने अपना एक बिलीफ बना रखा है कि जब मैं मेरे ससुराल जाता हूं
तो वहां मुझे कोई पानी की नहीं पूछता। तो जैसे ये बिलीफ वो व्यक्ति बनाएगा, तो जब वो अपने ससुराल जाएगा तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि वहां पे कोई उनको पूछेगा ही नहीं, और फिर वो बोलेगा मुझे पहले ही पता था, मुझे मालूम थी कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो भाई साहब ये आप ही करवा रहे हैं, पर ये आपकी जानकारी में ही नहीं है। तो बस यही ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। ऐसी बहुत छोटे छोटे ब्लॉकेज हैं जिनके थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में काम करेगा 100%। और मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं, बिना किसी टेक्निक के यूज किए, कोई टेक्निक नहीं लगानी। मैंने मेरी जिंदगी में एक टेक्निक लगाई थी, और वो टेक्निक केवल कोई कोई टेक्निक नहीं थी, वो मैंने दीवार पे लिख दिया था बस। ठीक है, मैंने वहां दीवार पे लिखा था कि मुझे अगले 6 महीने में इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। और मैं उसको बस ये याद है कि मैंने उसको पूरी वाइब्रेशन दी, हमेशा सोते टाइम उसको देखता था, उठते टाइम उसको देखता था, और मेरे मन में ये पूरा विश्वास था कि होगा होगा होगा, और वो हुआ। और जैसे ही मेरे पास में वो पहला मैंने जो टेक्निक लगाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और वो मैंने अनजाने में लगाई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था, उस समय इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं थी, उस समय इतने वीडियोज नहीं थे, है ना। मैं इन 21 दिनों में आपको क्या बताऊंगा पता है, कि मैंने कहाँ पे गलतियां करी, क्या मेरे लिए फायदेमंद चीजें रही, और किस वजह से मुझे जो है चीजें जो मैंने चाहा उससे पहले मिल गई, उससे कम समय में मिल गई। तो बस वो पिछले 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था 2008 में, अभी चल रहा है 2024, मतलब जो 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इन 21 दिनों में बताऊंगा। और अगर आपने सुन लिया प्लस फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ में ड्रामेस्टिक चेंज आएंगे, 100% चेंज आएंगे, 100% आएंगे, 99 भी नहीं आएंगे। बस दिक्कत आती है कि इंसान फॉलो नहीं कर पाता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बड़े कठिन है, मतलब जो मैं आपको रूल बताऊंगा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दर्द होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल बड़े आसान टास्क होते हैं लाइफ में। एक छोटा सा टास्क होता है, जैसे मेरी पत्नी है तो मुझे जो है उससे केवल अच्छे से बात करनी है, जब एक प्रेमी और प्रेमिका जिस तरीके से बात करते हैं, है ना, ऐसा होता है ना, जैसे शादी से पहले, जैसे मान लो मेरी प्रेमिका है, तो उसको मैंने जिस शादी से पहले जिस तरीके से मैं उससे बात करता था, जैसे मीठी मीठी बातें करता था, पर वो जनरली शादी के बाद लोग कर नहीं पाते हैं, लाइफ में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं, पैसे की ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन लो होती है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। पिताजी के साथ में जनरली ऐसा होता है कि जब जैसे ही इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे पिताजी से कनेक्शन लूज होते जाते हैं, बात ही नहीं करते, मतलब कई बार मैंने घर में देखा कि एक ही घर में एक पिता और पुत्र बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उनके काम से काम कर रहा है, वो उनके काम से काम कर रहा है, पैसों का ब्लॉकेज आएगा, सूर्य खराब होगा, मम्मी से बातचीत ही नहीं हो रही है ना, पत्नी से बातचीत नहीं हो रही है, शुक्र खराब हो जाएगा, मम्मी से बात नहीं हो रही है, चंद्रमा खराब हो जाएगा, बेड पे बिस्तर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, गुरु खराब हो जाएगा। किसी व्यक्ति से कुछ सीख लिया आपने, कुछ भी सीखा, उसने आपको ए बनाते सिखाया, देखो बेटा ए ऐसा बनाते हैं, और आपने उस व्यक्ति की निंदा करी किसी तीसरे आदमी के आगे, गुरु खराब हो जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके लाइफ में ब्लॉकेज लेके आएगी। अच्छा, ब्लॉकेज लेके आएगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपके साथ ऐसा होगा कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया, लेकिन आपके काम नहीं बनेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, आप समझ नहीं पाओगे ये हो कैसे रहा है ना। हाँ, सब करेंगे नैया जी, जो भी आपका नाम है नैया, सब बताएंगे। अभी आज पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक तो बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या ये तो बताओ, है ना। तो अब होता क्या है ना कि लोग YouTube पे डायरेक्ट वीडियोस देखते हैं और उस टेक्निक को लगाना शुरू कर देते हैं, तो YouTube पे वीडियो देख के और किसी टेक्निक को लगाना कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, जैसे ये डायरेक्ट किसी घर की दीवार खड़ी करना, ये ऐसे दीवार, अब ये दीवार टिकेगी क्या, गिर गई। अरे जैसे मान लो आपने टेक्निक लगाई, किसी ने बताया आप वाटर टेक्निक लगाओ, आपने वाटर टेक्निक लगाई 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 लगाई, और इसके बाद में क्या हुआ, गिर गई, काम ही नहीं कर रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, इसको बुरा बोल के चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो क्या ही कर लेगा आदमी, अरे कुछ नहीं होता है, लो पर, अरे सब फालतू बात है,
फालतू बात है उसके लिए जो डायरेक्ट चाहता है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डायरेक्ट कभी कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप इस क्लास में अगर इसलिए भी आए हो कि डायरेक्ट ऐसा कोई तंत्र मंत्र बता देंगे जिससे सब चीजें ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। अभी कल ही जैसे मेरे घर में एक बात हो रही थी किसी व्यक्ति के बारे में, तो जो है मेरी मम्मी बता रही थी कि जैसे एक जगह मैं गई तो वहां पे एक लेडी है ना, तो वो जो लेडी है तो वहां पे मतलब ऐसा कोई जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वो वहां पे जैसे ऐसे देवता वगैरह होते हैं, तो वो उनके आगे बोल रही कि मेरा मेरा काम कब होगा, मेरे ये प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, मतलब जैसे वो होता है ना ऐसे प्रोग्राम होता है घर में, कोई भी शादी वादी होती है तो उस समय ऐसे कोई व्यक्ति होता है जिसमें देवता आते हैं ऐसे, है ना, तो वो सब पूरा बताते हैं आपको कि आपके ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। तो वो जो है लेडी वो सामने पूछ रही है कि भाई मेरा ये काम कब होगा, मेरे पैसे कब आएंगे, मेरे पैसों की दिक्कत क्यों आ रही है, मेरे जो हस्बैंड है इनके काम काज क्यों नहीं चल रहा है ना, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और ये इस तरह की चीजें। तो मेरी मम्मी ने ये बताया कि उसका उसका जो दैनिक दिनचर्या है तो उसमें जो दिनचर्या ऐसी है कि हर एक व्यक्ति के साथ में इस तरीके का बर्ताव करना, घर वालों से चिड़चिड़ के बात करना, मतलब घर वालों का जो है अच्छे से किसी जैसे होता है ना घर के किसी बूढ़े व्यक्ति ने बोला बेटा पानी पिला दो तो उस पर 10 बात करना, और ऐसा व्यवहार है। और चाहते क्या है, अच्छा कब होगा हमारा, तो वो कह रही कि कैसे होगा अच्छा, और पहली बात तो अच्छा क्यों होगा, अच्छा तब होगा जब आप मतलब यूनिवर्स को आप ऐसे समझना कुछ कि जैसे आप यूनिवर्स से कुछ चाह रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ क्यों आए पता है, कि हमें सर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, ठीक है, हमारे पास पैसा आ जाए और एक अच्छा सा घर बन जाए और हम सुखी हो जाए, तो ये आप किससे चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है। अब आप किसी के लिए यूनिवर्स है, ये सेटिंग बैठा रखी है ऐसे ऊपर वाले ने, वो बस ये देखता है कि कौन लाया कि किसको देना है। तो आप किसी के लिए यूनिवर्स है, मतलब कोई होगा जो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता होगा, है ना, जैसे मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि मेरी जब आपसे बात हो तो प्रेम से बात हो, है ना, कभी भी आप मुझसे बात करें तो हाँ जी सर जी कैसे हैं, बढ़िया, और सर क्या चल रहा है, सब बढ़िया ऐसा, है ना, तो वैसा बात हो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप मुझसे ऐसे चिढ़ के बात करें, क्रोध में बात करें, और कुछ भी आप जो आपके मन में आए वो बोल दें, है ना, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे, और अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरा करते हैं, आप बड़ा प्रेम से बात करते हैं, तो सेम चीज आपके जीवन में आ जाएगी, समझ गए। उसी टाइप से आपके घर में कुछ लोग होंगे जिनके लिए आप यूनिवर्स हैं, आप उनको क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, आपने किसके लिए क्या किया, वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा। इसीलिए एक व्यक्ति का लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1 महीने में काम कर जाता है, एक का 6 महीने लग जाते हैं, एक का 1 साल लग जाता है, और एक का कभी पूरा नहीं होता है, और आखिरी में वो ये कह के निकल जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में। तो हमको सबसे पहले जो है ना, डायरेक्ट दीवार खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, हमको पहले नींव भरनी पड़ेगी, नींव मजबूत करनी पड़ेगी। जब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आप कितनी लंबी दीवाल बनाओ, दीवाल ऐसे बनेगी चुटकी में, और यूं क्या है ना, आप दीवाल बनाओगे थोड़े थोड़े दिन में गिर जाएगी, हो सकता है एक बार गिरे आप फिर से बनाओ, चलो एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से गिरी, फिर तीसरी बार आपने बनाई, एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से गिरी, आप आखिरी में आपको क्या कहना पड़ेगा पता है, कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब बेवकूफ बनाते हैं, कोई बेवकूफ नहीं बनाता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहली चीज क्या है ना, हमको आधार मजबूत करना पड़ेगा, बेस मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो क्लास होगी आपकी 21 डेज की, इसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सर हम अपना बेस मजबूत कर लें, ताकि हम जो टेक्निक लगाएं या जो भी हम चाहें वो बहुत जल्दी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसमें फिर चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, है ना, चाहे आपके पास पैसा हो, और देखो एक बात समझना, यूनिवर्स के पास कोई लिमिटेशन में नहीं है कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि लिमिट में चीज है, एबुंडेंस है, इतना है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आज आप अंबानी जी को देख लो, है ना, क्या उनको पता है उनके पास कितना पैसा है, उनको भी नहीं पता है कहाँ काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, बस बरस रहा है, क्यों, उनको नियम पता है यूनिवर्स के, और उनके जैसे बहुत लोग हैं ऐसे, ऐसा नहीं, वो तो उन वो चलो नजर में है हमारे,
पर ऐसे कई लोग हैं जिनको यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और उनका काम होता जा रहा है। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र भले आज 80 साल की हो गई, पर उनको अभी तक एक नियम भी पता नहीं चला कि कैसे यूनिवर्स वर्क करता है, कैसे पैसा आता है, मनी कैसे आती है, उनको पता ही नहीं चला अभी तक। और उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल ली, और पूरी जिंदगी कैसे निकाली बताए, परेशानी में, हर चीज से परेशान होके। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, उसी से शायद आप लोग जुड़े हैं कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं, है ना। हाँ जिगर सर प्लीज, पास मेमोरी कैसे डिलीट करें इसके बारे में बताएं, मैं आपको सब बताऊंगा, आप सुनो बस मेरी बात तो सुनो, आप सुनो आराम से, ठंडे दिमाग से बैठ के सुनो, चिंता मत करो। सबसे बड़ी चीज क्या है बताए, पेशेंस। पेशेंस रखोगे ना तो आपको सब मिल जाएगा, है ना। मैं आपको पूरा मेरी जर्नी भी बताऊंगा, ये आजकल तो आपको बड़ा जल्दी चीजें पता चल रही है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में 6 साल लगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि समझने में, हाँ समझ तो मैं जैसे रहा हूं, बट यूनिवर्स ने मुझे फोर्स करना शुरू किया, आपको भी किया, है ना। आप अपने मर्जी से यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं अभी आपको एक बात बता रहा था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं ना, वो आपने देखा होगा। तो वैसे ही आप यहाँ पर खुद से नहीं आए हैं, आपको किसी ने पुश किया है इधर आने के लिए, आपके दिमाग में एक विचार डाला गया है। यूनिवर्स के पास सबसे बड़ी चीज क्या है पता है, किसी व्यक्ति को उसका कर्म का फल देने की, बस दिमाग में विचार डाल दो, बस उस विचारों से उसका सेटिंग हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। और ये जो चीज होती है हमारे साथ, ये कर्मों की वजह से होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे कर्मा का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो हम कर्म करते हैं ना। हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लाइफ में अपने आप आता है, आप इसकी तरफ नहीं जाते हैं, आप खुद से नहीं जा सकते। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख लेना, आप अपने कोई, आपका कोई मित्र होगा या आपका कोई घर में सदस्य होगा, या आपके जैसे हस्बैंड होंगे या किसी की वाइफ होगी या कोई भी, तो आप उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करना कि आओ बैठो मैं आपको समझाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो वो बोलेंगे कि तू ये फालतू चक्कर में तू पढ़, ठीक है मेरे को फुर्सत नहीं है। ये ऐसा जवाब मिलेगा आपको, क्यों, अभी उस आदमी, अभी यूनिवर्स नहीं चाहता है कि उसको वो चीज समझ में आए। इसमें टाइमिंग का खेल होता है, हर एक चीज में टाइमिंग का खेल। तो इसीलिए आप यहां पर खुद से नहीं आए हैं, पहले तो इस चीज को समझो। मैं समझ गया हूं, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सच बताऊं तो मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं, और जो चीजें हो रही है ये मेरे पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हो रही है। मैंने जो भी पास्ट कर्मा किए हैं उस हिसाब से मुझे अपने आप आइडियाज आ जाते हैं, या मेरे सामने अपने आप लोग आ जाते हैं, या मतलब सब अपने आप होता है। मैंने तो कभी से सरेंडर कर रखा है, मैं परेशान नहीं होता हूँ किसी चीज के लिए, ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों हो गया, ये ग्लास क्यों फूट गया। मान लो जैसे आज यहाँ ये चाय का मग पड़ा है और ये अगर नीचे गिर गया, फूट गया, तो जैसे फूट जाता है, जैसे ही फूटता है तो मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ठीक है इसका, इसको फूटना था, इसको गिरना था, यहाँ पे ये गिरा, बस मुझे इसको समेटना है और फेंक के आना है। लेकिन यहाँ पे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और हर एक चीज पे रिएक्ट करते हैं, ये क्यों हुआ, बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपकी, ये क्यों हुआ। तो आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं, तो ये वो होना था, आपको किसी व्यक्ति से मिलना था, आपको कहीं जाना था, वहां ले जाया गया आपको, आपके दिमाग में विचार डाला गया भैया जाओ, ये होता है। इसीलिए कभी गिल्ट फील नहीं करना, हर चीज अपने आप होती है। और मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, मैं बताऊंगा आपको हाउ टू सरेंडर बताएंगे। देखो मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सुनो बस, पेशेंस रखो, ठीक है। जैसे मैं, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2008 में पहली बार क्या हुआ ना मेरे सामने, 2008 तक मैं ब्लैंक था, बहुत नॉर्मल जैसे होते हैं, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हर चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, और घर वालों से मतलब मेरे को नहीं करना काम, मेरे को बार बार मत बोला करो, अरे यार आप दिमाग खराब मत करा करो, हाँ यार ये, हाँ ऐसे कर रहे थे। तो ऐसे करते करते अचानक से 2008 का टाइम था, और मेडिटेशन कल से करेंगे हम, है ना। हाँ आज मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं,
या फिर एक काम करेंगे, आज मेडिटेशन क्लास के बाद करेंगे, कल से शुरुआत में करेंगे, ठीक है? तो 2008 तक बहुत नॉर्मल चल रहा था, हर चीज पे रिएक्ट करना। अगर 50 रुपये घूम गए तो 50 दिन तक परेशान होना, क्यों घूमे, क्या करूं ऐसे, और हर एक चीज पे रिएक्ट। 2008 में ऐसा हुआ कि मैं पढ़ने के लिए गांव से बाहर निकला, तो ट्रेन में जब मैं जा रहा था ना, तो वहां पे ऐसे एक बुक थी। तो एक जैसे रास्ते में एक, मैं इंदौर जा रहा था उस समय, मैंने पॉडकास्ट में भी बताया था लेकिन यहाँ पे भी बताऊंगा क्योंकि ये इसका हिस्सा है। तो एक बुक स्टॉल वाला उधर से आ रहा था और मैं ट्रेन में से उतरना हुआ, मैंने कहा चाय वाय पी लेता हूँ। जैसे मैं उतरा, उसका आना हुआ और हम ऐसे टकराए और एक बुक जो थी ना वो ऐसे नीचे ऐसे गिर गई। तो मैं ऐसे झुका और मैंने उस बुक को उठाया और उनको, भैया को दिया, मैंने कहा सॉरी भैया। अब मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, उस किताब का नाम सोचिए और अमीर बनिए है ना, यहाँ पे रखी हुई भी होगी आपको, आपने देखी होगी वाली बुक, तो पता नहीं कहाँ रखती है। बहुत सारे लोगों ने इस बात को हर कोर्स में, जैसे जो लोग हर कोर्स में आता है मैंने बताई है, हर आगे भी बताऊंगा मैं। तो उस किताब पे एक बात लिखी हुई थी कि सोचिए और अमीर बनिए। आप देखिए, यूनिवर्स हर चीज की प्लानिंग करता है ना, आपके यहाँ आने की भी प्लानिंग हुई है, ऐसे थोड़ी आ गए क्या आप? ये मत समझना कि ऐसे ही मजाक मस्ती में उठ के आ गए, मजाक मस्ती में कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको बस उतना बस बस समझना है और कुछ नहीं करना है। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरी उम्र है 35 ईयर्स, ठीक है? तो जब मैं पैदा हो गया था और उसके 5 से 10 साल बाद तक ऐसी स्थिति थी कि मतलब मेरे जो पिताजी है वो जैसे वो लकड़ी की जो वो आती है ना गुमटी जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा पान पान वाले लगाते हैं ऐसे, है ना, लकड़ी की स्टॉल टाइप होती है वो, हमारे इधर गुमटी बोलते हैं उसको, ऐसे नीचे से घुसते हैं और इतनी सी जगह होती है ना। तो जब मैं 5वीं कक्षा में आ गया था, तब मैं भी बैठा था उस पे, तो एक ही जना उसमें घुस सकता था, उसमें मेरे पिताजी पान लगाते थे, मतलब पान का काम था हमारा, है ना। तो बड़ी मतलब ये गांव में भी थी वो, इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती थी, तो स्थिति कच्चा घर था और वैसी चीजें थी, है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुआ कि मेरा जो बचपन से जो बिलीफ था चीजों को लेके, वो मेरी मम्मी ने ऐसा बनाया पॉजिटिव। हाँ, ये मेरी मम्मी का बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा। और जैसे हम आपने एक चीज सुनी होगी कि रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, रीप्रोग्राम। तो आपको क्या बताया जा रहा है, रीप्रोग्राम क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम जो किया है वो गलत किया है, कहीं ना कहीं लोगों ने, घर वालों ने, अरे बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे साथ एक चीज ये अच्छी हुई कि मेरी मम्मी ने मेरा जो माइंड है ना वो प्रोग्राम ही सही साइड किया शुरू से, कि बेटा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कभी भी जैसे मैं उदास हुआ, कुछ भी हुआ, तो जैसे कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं कुछ नुकसान कर देता था, तो मेरी मम्मी मतलब यूं नहीं कि वो चिल्ला दी या डांट दी, या कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ 10 बातों सुना, गुस्सा करूँ, पता नहीं क्या करते हैं, मेरा तो किस्मत ही फूटी थी, दिन भर ये खड़ा करो ये खड़ा करो। तो वो जो बच्चा है वो उसका वो प्रोग्राम हो रहा है ना, उसको लग रहा है ये बड़ा, मैंने बड़ा खराब काम कर दिया, अरे बाप रे कैसा आदमी हूं मैं। ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, ऐसा दिन में 4 बार हो रहा है, आज 4 बार, कल 4 बार, परसों 4 बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार। अच्छा, इधर मम्मी की भी आदत पड़ रही है रोज, है ना, हर चीज में चिड़चिड़। अब उसमें ये हुआ कि जैसे मैं कुछ मान लो खाना खा रहे हैं और मैं उधर से दौड़ के आ रहा हूँ, और मैंने जो है मान लो एक दही का पात्र रखा हुआ है और मैंने लात की मारी, सब दही लंबा हो गया, बर्तन फूट गया। तो वहां पे मेरे मम्मी और पापा का रिएक्ट ऐसा होता था कि वाह चल कोई बात नहीं, चल तू साइड में, तेरे पैर पैर में चुभ जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल वे में चल, पहले तो ये चलवा कोई बात नहीं। तो मैं अलग से बैठ जाता था उसको, वो मम्मी संभाल के, और चलो वाह ठीक है कोई बात नहीं, तेरे लगी तो नहीं। तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो एक फियर होता है चीजों को लेके वो नहीं हुआ। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब बच्चों को हम बहुत ज्यादा डांटते हैं तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनको हर चीज को लेके फियर होता है, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। जैसे मेरे मान लो कभी मैं मान लो फेल हो गया, तो मम्मी बोलती थी बेटा देख एक बात समझना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा मम्मी फेल में क्या अच्छा है, बोले कि ये एक दिन बाद समझ में आएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया,
ना, सब एक योजना होती है हर चीज के पीछे। ठीक है, तो उस बात को सुन लिया, तो वो एक बिलीफ एक दिन बोला, फिर 2 दिन बोला, तो एक बिलीफ सिस्टम वैसा सेट हो गया। तो बिलीफ को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब आप में अलग अलग टाइप के लोग हैं, मतलब आप कैसे ग्रो हुए उस पर डिपेंड करता है आपकी लाइफ कैसी रहेगी। अब चलो ठीक है, ग्रो हो गए, मान लो गलत चीजें हम पता नहीं था, जैसे मम्मी पापा को भी पता नहीं था या हमको भी पता नहीं था, हमने बड़ा माइंड को घुमा दिया यहां तक आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब रीप्रोग्राम करेंगे। अभी तक प्रोग्राम हुआ है, तो अब हम इसको रीप्रोग्राम करेंगे, और रीप्रोग्राम होने में 21 डेज लगते हैं। 21 डेज में आपने जितनी भी आपके बिलीफ सिस्टम है ये चेंज हो जाते हैं, समझ गए, ऐसा होता है। तो ये जो बुक वहां पे मेरे सामने गिरी, तो उस पे लिखा हुआ था, सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसी बुक देखी जिसमें अमीरी के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, हाँ बिल्कुल आशीष जी करवाएंगे। तो मैंने अमीरी के बारे में कहा, अमीर, इससे पहले कभी अमीर शब्द नहीं सुना था। हाँ बस ये पता था कि अमीर लोग बहुत बेकार होते हैं, है ना, पैसे वाले लोग बहुत खराब होते हैं, क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे ये तो इसके पास तो 2 नंबर का पैसा है, अरे ये तो पैसे लूट लूट के पैसा बनाया। तो हमको लगता था कि जितने भी अमीर होते हैं, मतलब, तो सारे लोग बेकार होते हैं, ऐसा एक विचारधारा थी पहले। तो वहां मैंने जब उस बुक को देखा, रख दिया। अब ये देखो, ये यूनिवर्स का एक, मतलब यूं कहें कि यूनिवर्स की चाल थी, क्योंकि मेरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना था, है ना, तो ये इस तरीके से आया। तो मुझे लगता है अब आपके भी, आप भी इस चीज को कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ होगा जिससे आपका ध्यान इस तरफ आया। क्योंकि मैं सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी मानता हूं वो क्या मानता हूं पता है, कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा करने से अच्छा होता है और बुरा करने से बुरा होता है, और हमारे अच्छा सोचने से हमारा जीवन अच्छा होता है, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, मतलब आपको बहुत बड़ा धन मिलने वाला है। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो उसके पास हो सकता है आया हुआ धन भी है, तो वो उसको भी वेस्ट कर दे। पर आप लोग अगर इन बातों को समझ जाएंगे जो मैं बताने वाला हूं, तो शायद आपको बहुत कुछ मिल जाए। क्योंकि मैं सबसे बड़ा धन इसी को मानता हूं कि मुझे बहुत कम समय में ये बात पता चली कि किस बात पे क्या रिएक्ट करना है, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, ईमानदारी रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा, 2 रोटी की भूख हो, है ना, और उसकी जगह एक मिले तो वो एक खा के सो जाना, पर उस एक और के लिए किसी का, मतलब वो कहते हैं ना हमारी इधर लैंग्वेज में, किसी का गला मत काटना। गला मत काटना मतलब किसी दूसरे का हक मत छीनना, या कोई ऐसा गलत काम करके वो रोटी मत खाना। तो भूखा सो जाना, उसमें तेरे को अच्छी नींद आएगी, पर अगर गलत काम करके और अगर वो चीज करी, तो वो हर चीज लौट के आएगी बाद में, है ना, नींद आने में भी दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। तो मैंने कहा अच्छा ये भी बात है। तो वो एक प्रोग्रामिंग की बात होती है, आपको कैसे प्रोग्राम किया है। तो अब मैं आपको वही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ बताए, आपका माइंड वॉश कर रहा हूँ मैं। माइंड वॉश में बड़ी ताकत होती है। माइंड वॉश एक ऐसी चीज है कि जिससे एक आदमी अपने शरीर पे बम बांध के खुद को उड़ा भी लेता है। ये ताकत होती है माइंड वॉश की। वो जो आपने देखे होंगे ना, जैसे 26/11 का हमला हुआ था बॉम्बे में, है ना, तो वहां पे उन लोगों को पता था कि हम जैसे इधर से उस देश में जा रहे हैं और वहां जाके गोलियां मारेंगे, तो उनको पता था कि उसके बाद हम नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और कई लोग बम बांध लेते हैं और खुद को उड़ा भी लेते हैं। क्यों, कैसे उड़ा लेते हैं, क्योंकि उनको, जैसे मैं आपको बिठा रहा हूँ ना, तो ऐसे बिठाया जाता है आराम से, बिठा के उनको 5-6 महीने तक उनको प्रिपेयर किया जाता है, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका माइंड वॉश कर रहा हूँ, तो वैसे उनका माइंड वॉश किया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है ना, और देखो ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि जैसा वो सोचते हैं, जैसा उनको बताया जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो मरने के लिए तैयार। बोले मर जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बोले तेरा शरीर नष्ट कर लूंगा, बोले करूंगा, मरूंगा। तो जब अगर एक इंसान अपने आप को मार सकता है, तो क्या आप अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर सकते क्या? विचार करना इस बात पे कभी, कि अगर चीजें बताने से, बातें बताने से कोई आदमी अगर अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर सकता है, तो क्या हम हमारी लाइफ ठीक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पहला विश्वास ये आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको, है ना, कुछ बिलीफ आपके अंदर सेट करूंगा, पुराने निकालूंगा और नया सेट करूंगा, ठीक है, बस उनको आप सेट कर लेना।
और इसके अलावा कुछ मत करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है पता है? अभी आप क्या फील कर रहे हैं, हाल फिलहाल में आप मेरी बातों से कितना विश्वास कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार बातों सही है, तो मतलब आप के लिए सही है। और अगर आप बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं होता है, सब फालतू बात है, तो वो फालतू बात है। ये पर्टिकुलर है, हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए? ये ऐसा है। तो वो जो मेरे सामने बुक गिरी थी ना, तो ये वो पहला संकेत था यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ में कि एकदम से आपके ऊपर धन बरसा दिया जाएगा, ऊपर से डाल दो इसकी धन डाल दो, ऐसा नहीं होगा। या इसके प्रॉब्लम एकदम से प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम धीरे धीरे खड़ी होती है, हमारे विचारों से ही शुरू होती है, वो भी हमारे कर्म का ही फल होता है। हर चीज कर्म का फल है। अगर आप 1 घंटा परेशान है तो वो कर्म का फल है, अगर आप 1 घंटा सुखी है तो वो कर्म का फल है। ये बात है ना। और अगर आप किसी ऐसी जगह जुड़ रहे हैं जहां से आपके विचारों के ऊपर काम हो रहा है, जैसे हम कर रहे हैं, ये भी आपके कर्म का फल है। आपका कोई अच्छा कर्म जो है उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया है, इस वजह से आप अपने विचारों में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। नहीं तो कई लोग डायरेक्ट डिनाय करते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, आपके अपने करेंगे। आप चाहो तो अपने जो पार्टनर हैं उनको बोल के देखना कि ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास है, आप भी देखो जरा, तो वो आपको 10 बात सुनाएंगे, बोले ये फालतू चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता इनसे, क्योंकि उस सामने वाले का भी टाइम नहीं आया है। और आप परेशान भी मत होना कि यार इनको समझ में क्यों नहीं आता। आपके परेशान होने से कभी समझ नहीं आएगा, जब उस व्यक्ति का समय आएगा तो अपने आप ऊपर से थॉट डाल दिया जाएगा, भैया ठीक करो, ठीक हो जाएगा। कई सारे रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं मेरे सामने, कई सारे मैं काउंसलिंग लेता हूं, तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था, ऐसी स्थिति आ गई थी कि अलग होने वाले थे, डाइवोर्स की स्थिति, लेकिन केवल बातों बातों से उनका मामला ठीक हो गया। मैं हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें योगदान उन्हीं के अच्छे कर्मों का है। ठीक है, देखो मैं फंसता नहीं हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आ गया, मेरे को मत फंसाओ। ये आपके लाइफ में जो चेंज आएगा वो आपके किसी अच्छे कर्म का फल आपके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से किसी को निमित्त बनाया जाएगा उसमें, या तो मैं हूं या और कोई भी हो सकता है, कोई भी जो लाइफ कोच से आप मिल रहे हैं या किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, है ना। तो इसमें हमारा योगदान नहीं होता है, हमको निमित्त बनाया है कि भैया आपके पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है भगवान देख लेंगे, हम काम उनका है मेरा नहीं है। तो ये इस तरीके से चीजें काम करती है। तो वो जब बुक मैंने देखी तो पहला विचार मेरे मन में आया कि यार अमीर सोचने से अमीर कैसे बनते हैं, यार सोचिए और अमीर बनिए, सोचने से अमीर यार कैसे होता है। अब मैं ट्रेन में बैठ गया तो मेरे दिमाग में वो चक्री घूम रही, सोचने से अमीर कैसे बनते हैं, सोचने से अमीर कैसे बनते हैं। फिर मैंने कहा अरे ये तो सब बेवकूफ बनाते हैं, किताबें बेचने के लिए करते हैं, हमको ऐसा ही सिखाया जाता है हर जगह, अरे ये तो इसलिए करते हैं, तो उसलिए करते हैं। तो मैंने भी वही गणित लगाया, मैंने कहा कि ये तो किताब बेचने के लिए करते हैं। फिर मेरे दिमाग में दूसरा थॉट आया कि यार एक बात बताओ, उस किताब वो जैसे इतनी मोटी बुक है ना, इतनी मोटी, और वो तो और बड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, आप 1 सेकंड रुकना। यार पता नहीं वो किताब मिल नहीं रही मेरे को, शायद नीचे होगी, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, कहीं ना कहीं रखने में आ नहीं पा। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ तो मैंने देखा, मैंने कहा ये इतनी बड़ी बुक है तो इसमें ऐसा लिखा क्या होगा, ये वीडियो मैंने ऑफ करी, मैंने कहा इसमें लिखा कुछ तो ऐसा लिखा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। अब वो थॉट आया बस, उसके बाद में भूल गया उसको। उसके बाद में उसके 5 या 6 महीने बाद
एक हम जैसे मूवी देखते थे उस समय, इंदौर में रहते थे ना, तो वहां पे हम वो वीसीआर आता था सीडी, हैं वो सीडी मंगाते थे। तो एक मूवी आई उस समय, वो मूवी थी अपने अजय देवगन की या अपने आमिर खान की मूवी थी शायद, दिल, हाँ दिल मूवी थी दिल। तो वो मूवी हम लेके आए थे, वो दोस्त लेके आए थे, तो उसके साथ एक कैसेट आ गई गलती से, द सीक्रेट। तो अब कैसेट आ गई तो लगा दी, देखो क्या है। तो उसको जब लगाया तो उसमें एक आदमी आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने एक घर जो मुझे चाहिए था उसका फोटो मैंने, उसका मैंने चित्र बनाया अपने घर पे, और 5 साल बाद आज मैं देख रहा हूं कि मैं वैसे ही घर में रह रहा हूं। आई एम शॉक्ड, ये क्या है। फिर दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है कि मैंने ऐसा करा वैसे करा। तो हाँ मनीषा जी, वही सेम वही रहेगी। देखो जो एडवांस कोर्स है वो हम एक तारीख से शुरू करेंगे, ठीक है, मॉर्निंग 6 to 7 उस कोर्स में प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन ये ज्वाइन करना पहले जरूरी है। हाँ ये इसके बाद ही उसमें आना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रैक्टिस, आप अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस करने लगे तो फिर आप मेरे से कहेंगे सर आपने प्रैक्टिस करवाई, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि पहले नींव भरनी पड़ेगी, नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और इस क्लास में जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, वो अगर कोई व्यक्ति, अगर इस दुनिया का कोई व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है उन बातों को, तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि जैसे मेरे पास जादुई पत्थर है, तो मैंने आपको एक बात कही कि ये जादुई पत्थर है, ये जादुई पत्थर केवल मेरे लिए काम करेगा, ये और किसी के लिए काम नहीं करेगा, समझ गए, है ना। हाँ ये चीज है कि आप इसके साथ साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो अलग बात है ना। ये भी कर रहे हैं, रात को इसको देखो 9 से 10, सुबह उसको देखो, वो चीज है। पर ये वाला कोर्स तो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको इसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, वो बताऊंगा, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी होती है, वो बताऊंगा, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति घर में कुछ ऐसा कर देता है जिससे हम चिढ़ते हैं, है ना, जिससे हमको गुस्सा आता है, तो वो मैं बताऊंगा कि आपको वो नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति चिढ़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है, हाँ दोनों साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये करना जरूरी है, ठीक है। और जिन्होंने ये कर रखा है वो उसमें आएंगे ही सही। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष भाव रखता है ना, किसी से जेलस करता है, केवल अपना भला सोचता है, दूसरे का नहीं सोचता है ना, अपने घर के जो लोग हैं उनमें ईश्वरीय भाव नहीं रखता है ना, तो उसका कभी भी कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। फिर वो ये बोल के चला जाएगा कि ये तो फालतू होता है ना। तो इसलिए आप पहले इसको पूरा समझो, पूरा समझना जरूरी है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वैसे भी एक बात बोलूं, जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा है वो मैं आपको 21 दिन में बता दूंगा, ठीक है। फीस कितनी होगी? फीस मेरे कोर्स की कोई फीस नहीं होती है ना, फीस क्या होता है ये तो मैं, ये जैसे आप सोचो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास की फीस कोई 500 रुपये होती है क्या? ये 500 रुपये मुझे आपसे इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि ये नहीं लूंगा तो भी फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ये भी नियम में आता है, समझ गए आप। ये मैं अगर ये पैसा नहीं लूंगा, और अगर मैं आपको एक फ्री चालू कर दूंगा, तो फिर भी आपके काम नहीं करेगा, क्योंकि इस संसार में कुछ फ्री नहीं होता है, समझ गए। हाँ तो मैं आपका नुकसान नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं एक सेवा शुल्क ले लेता हूँ कि मैं 21 दिन तक आपके साथ हूँ, तो उसके लिए जो भी बनता है, मेरी अंतरात्मा जो मानती है, मैं उतना ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद भी फिर एक और चीज है कि फिर भी कोई व्यक्ति जैसा इस क्लास में ऐसा आ गया है कि जो सेटिस्फाई नहीं होता है क्लास से, तो वो अपनी फीस वापस भी ले सकता है। देखो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुझे वैसा पैसा चाहिए जो अच्छे मन से आए, क्योंकि मैं वाइब्रेशन में विश्वास करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो जबरदस्ती क्लास देख रहा है, मतलब जिसकी इच्छा नहीं है, उसको कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो कुछ और मिल रहा है, तो वो कुछ मत करना, आप मैसेज डालना, आपने जो फीस दी होगी वो रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। मैं पैसे, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो तो मेरा नसीब में जितना लिखा है वो मेरे पास आके ही रहेगा, जेब में रख के जाएगा आदमी, मैं अगर रोकूंगा कि भैया नहीं चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा, तो वो मैं वैसा मानता हूँ। मैं इन चीजों में, मैं केवल ऐसा नहीं है कि आपको बता देता हूँ बस, मैं विश्वास करता हूँ इन चीजों में, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से क्लास देख लो, 1 दिन देख लो, 2 दिन देख लो, 5 दिन देख लो, 10 दिन देख लो,
उसके बाद आपको कहीं ना कहीं लगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, है जस्ट सेंड मी अ मैसेज, है मैं आपको जो है रिटर्न कर दूंगा आपके पैसे, चिंता मत करो, ठीक है। और 21 रुपये ज्यादा करूंगा कि कभी आप कह दो सर मेरे 10 दिन खराब हो गए, है ना, तो उसका भी रिटर्न करूंगा, पैसे की चिंता नहीं करना, ये इट्स नॉट फी, जस्ट एक सेवा शुल्क है और वो लेना पड़ता है, नहीं तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। चलो अब आगे बताते हैं। तो जब वहां पे वो बुक गिरी, मैंने सोचा, उसके बाद वो सीडी मैंने देखी, तो वहां मैंने 10 सीक्रेट देखा, मैंने कहा ये क्या है। फिर उसके बारे में थोड़ा सा, वो ये दिमाग तो अपना फितूरी चलता है, मैंने कहा ये मैंने घर का फोटो बनाया तो घर बन गया, मैंने पैसों का वो चेक चेक लिखा, चेक पे पैसा लिखा तो मुझे पैसा मिल गया, ये क्या नाटकबाजी यार। तो ये यूनिवर्स का दूसरा संकेत था, ठीक है। आपके भी लाइफ में होगा ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये केवल मेरे हुआ, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा होता है ताकि आपको इस बात पे विश्वास हो और कुछ चीजें जो आपके साथ हो आप रिलेट करें कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उस बात को भूल गया मैं, मैंने उस मूवी को भी पूरा नहीं देखा, तो इसमें तो ना तो अमिताभ बच्चन है ना श्रीदेवी है, क्योंकि हम उस समय वैसी मूवी देखते थे, है ना, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसी मूवी देखते थे हम। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा, तो ये ऐसे देखते थे हम। तो मैंने कहा ये कोई मूवी है क्या, इसमें एक आदमी आ रहा है वो बोल रहा है, फिर दूसरा आता है, सब नाटकबाजी है। फिर उसके 5-6 महीने बाद एक दोस्त के वहां जब मेरा जाना हुआ, तो वहां एक बुक पड़ी थी जिसका नाम था अवचेतन मन की शक्ति, फिर उसको मैंने उठाया, अवचेतन मन क्या होता है, उसको फिर पढ़ा, थोड़ा बहुत समझ में आया हल्का फुल्का। फिर ऐसे कहीं पे कुछ समय बाद फिर किसी के वहां गया, तो सीख, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आना होता है ना, उसको यूनिवर्स खुद पुश करता है, ऐसे धक्का देता है, चल भैया आगे चल, उसके सामने बुक गिराएगा, उसको कुछ ऐसी चीज दिखा देगा, उसको एंजल नंबर दिखाएगा, मतलब उसको बार बार याद दिलाएगा कि देख तेरे को सपोर्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसा आपको भी मिल रहा होगा, आपको एहसास हो रहा होगा अंदर से। तो फिर मैंने मतलब 2 साल हो गए ऐसे करते करते, मेरे को 2-3 साल हो गए ऐसे, किताब सामने आ रही है 10 सीक्रेट अवचेतन मन की शक्ति। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस किताब को पढ़ा अच्छे से, पढ़ने के बाद समझा, मैंने कहा इसमें है क्या, तो मुझे पता चला कि कुछ विचारों जैसा कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद में जब मैं कोचिंग क्लास पे गया, आप देखो यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं कोचिंग क्लास पे गया, तो वहां पे शायद अगर आप इंदौर रहते हैं तो इंदौर में कोचिंग है पेस नाम से, PSEE पेस, वहां पे एक सर हैं, उनका नाम है प्रेरक त्रिवेदी सर, भले आप चाहें तो उनसे मिल के आ जाना। तो जब मैं उनकी क्लास में गया तो वहां पे वो यही बातें बता रहे हैं, बोले बेटा जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो मैं उनकी बातों को बड़ा इंटरेस्ट से सुनने लगा, मैं वहां पे गया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी करने के लिए, वो तो मेरे से हुआ नहीं, है ना, मैं वहां सीए की, वो सीए की कोचिंग करवाते हैं। और वहां पे भी ऐसा हुआ कि जैसे हम 3-4 लोग थे, तो बाकी के लोग दूसरी कोचिंग पे गए, और हम पता नहीं क्या, हम 2 जने थे, तो हमारी बुद्धि में पता नहीं क्या आया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जब आपकी बुद्धि जैसा जहां आपको जाना है वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। अब बाकी के लोग दूसरी क्लास पे जा रहे हैं, पर हम पता नहीं क्यों हमारे मन में आया हमको तो वो पेस पे जाना है, और जबकि उस समय पेस नई नई आई थी, हम शायद हमारा तीसरा या चौथा बेच रहा होगा, नया नया सर ने ओपन किया था, तो हम वहां चले गए। तो वो बुद्धि ले जाती है, मतलब आपको ऐसे पकड़ के ले जाया जाता है वहां पे। अब वहां पे जब हम गए, तो वहां पे जब प्रेरक सर की क्लास है, तो वो बता रहे हैं कि बेटा अच्छी नीयत रखना, ईमानदार रहना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, किसी का बुरा नहीं करना। अब ऐसी बातें जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने, ये क्या है यार, किसी का बुरा नहीं करना, इससे क्या हो जाएगा, जो क्योंकि पता ही नहीं था कि हम बुरा करेंगे तो वापस से बुरा होगा, हमको लगता था कुछ भी कर सकते हैं हम, और किया भी सही बहुत पहले, मतलब इससे पहले बहुत कुछ गलत गलत काम भी बने, पता नहीं था, बहुत कुछ किए उल्टे सीधे काम। वहां से थोड़ा सा दिमाग में चीजें आई यार, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही ना, जब जब ऊपरी शक्ति जो है, जब वो किसी व्यक्ति को सपोर्ट करती है उसी के अच्छे कर्मों की वजह से,
तो फिर उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल आएगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, या कुछ भी ऐसी चीजें होगी, डिप्रेशन में जाएगा वो, एंजाइटी होगी, ताकि उसका ध्यान इस तरफ आए। ये सब योजना होती है, मतलब आपको वहां तक पहुंचाने की। तो उन सर ने जो है ऐसी बातें बताना शुरू की, मैं रोज जाता था और रोज देखता था, मेरे को बड़ा मजा आता था ऐसी बातें सुनने में। हाँ है, सही है यार ये। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि भैया जैसे हम कर्म करते हैं वैसे फल मिलते हैं। उनका ठीक है, बढ़िया है। तो वहां से फिर मेरा सफर एक तरह से शुरू हुआ कि मैं इन चीजों को पढ़ने लगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना। और आपको एक चीज पे शायद यकीन नहीं होगा कि ये जो आज हम लोग आपको बताते हैं कि ये टेक्निक होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, ग्रेटिट्यूड होता है, विजुअलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें मैंने अनजाने में कर ली। मतलब मुझे नहीं पता था जो मैं करता था ग्रेटिट्यूड, है ना। तो ये उन सर ने बताया कि देखो बेटा, कोई भी आप किसी ऑटो से कहीं जा रहे हो, ठीक है, और वो जो ऑटो वाले भैया हैं, जब आप उतरो तो उनको बोलना थैंक यू भैया, क्योंकि हमको ऐसा सिखाया गया था कि थैंक यू क्यों बोले, उसको पैसे दे रहे हैं, क्यों फ्री में छोड़ रहा है क्या। तो उन्होंने बताया कि देखो बात फ्री की नहीं है, वो व्यक्ति भी अपना धंधा पानी चला रहा है, अपना अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है, और पैसा हर एक व्यक्ति को चाहिए होता है, पैसे से नफरत नहीं करना है, क्योंकि हमको ये भी सिखाया जाता है पैसे से नफरत करो। नफरत कैसे? आने में मत करो, आने वाला आने दो, पर जाने में ऐसा लगता है जैसे कलेजा निकाल के दे दिया हो किसी को, है ना। देने में जीव निकलता है, नेगेटिव वाइब्रेशन आती है, आने में पॉजिटिव आती है, जाने में। तो उन्होंने कहा कि जब आप पैसे देते हैं किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के, तो अच्छे मन से दो, है ना। जो ऑटो में आप बैठे तो उनसे आप मान लो 50 रुपए दिए, तो 50 रुपए दो, फिर बोलो थैंक यू भैया। अब बाद में काफी समय बाद ये पता चला कि इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी हुई है, ये जादू पूरा इसमें एक ही बात है बस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, और कुछ नहीं इसमें। तो इसके ऊपर बुक लिखी हुई, मैंने कहा यार ये तो अपन कर रहे हैं यार, कब से ही कर रहे हैं, और अनजाने में कर रहे हैं। अनजाने में क्या, वो जैसे सर ने बताया तो करने लग गए, बात मान ली उनकी, और उससे लाइफ में काफी मोटिवेशन मिला और वाइब्रेशन पॉजिटिव हुई। अच्छा भी लगता है जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, है ना, थैंक यू भैया, कोई किसी ने आपको पानी पिलाया, थैंक यू, तो अच्छा भी लगा। तो उससे धीरे धीरे डे बाय डे वाइब्रेशन हाई होने लगी। तो ऐसे करते करते पहली बार 2008 में मेरे सामने वो बुक गिरी थी, उसके बाद 2014 में जाके मैंने पहली बार इसको अप्लाई किया। आप सोचो 8 से 9 10 11 12 13 14 14, 6 साल लगे मेरे। अब आप आज 1 घंटे में घबरा रहे हो, अरे सर ये बताओ कैसे होगा, 6 साल की चीजें आपको मैं 21 दिन में बता दूंगा, 6 साल की नहीं उसके बाद की भी। तो मुझे 6 साल समझने में लगे, क्योंकि उस समय YouTube था नहीं। पर एक बात है, चाहे YouTube मत हो, कुछ भी मत हो, पर जिसको जिसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना है वो किसी भी तरीके से आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आया लोगों की लाइफ में, कई लोग ऐसे हैं जो काफी समय से कर रहे हैं इसको, है ना। जब ये बुक्स थी नहीं इतनी ज्यादा, और बुक्स लेना भी बड़ा महंगा पड़ता था, आजकल तो जैसे चलो मंगवा लेते हैं बड़ा आसानी से, उस समय 200 रुपए की बुक, मतलब आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती थी, 200 रुपए किसको बोलते हैं, बड़े बहुत खतरनाक होते थे, घर से मिलते नहीं थे इतने पैसे। तो 2008 में पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार सीखा, मतलब 6 साल में पढ़ा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो फिर पहली बार मैंने वहां 1 लाख रुपए ऐसे दीवार पे लिखे थे, और वो भी मैंने ऐसे लिखे थे, देखो यहाँ पे भी मैंने एक अच्छा काम ये किया कि मैंने ना ऐसी स्कीम नहीं लगाई कि देखिए इसको ट्राई मारता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मेरे को किसी को गलत नहीं ठहराना था, किसी ऐसा नहीं है कि मैं इस किताब को गलत ठहरा दूं, अरे ये किताब तो बेकार है कुछ ही नहीं इसमें, मुझे किसी को गलत नहीं ठहरा था, मुझे मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करना था। अब यहाँ पे आपके साथ भी एक चीज होती है, और जितने भी ये जो यूट्यूब पे वीडियोज देखते हैं, इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये क्या करते हैं, ये किसी व्यक्ति को देखेंगे पर इनका आधा माइंड तो ये रहेगा कि हाँ शायद ये काम करता होगा, पर आधे माइंड में इनके क्या चलता है बताएं, कि सामने वाले को कैसे भी करके गलत साबित करना। हमारे साथ एक चीज होती है, हम उसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। देखो चीजों को आपको सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में रखनी होगी, जैसे आप इस क्लास में आ गए ना, तो आपको ये बात रखनी होगी कि यार मुझे है ना अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट करना है,
मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे इस दुनिया के बाकी लोगों, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोगों की ज्यादातर एनर्जी कहाँ जाती है पता है, अरे ये इसको कुछ नहीं पता, अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे ये गलत बात बोल रहा है। देखो हर एक आदमी वैसी बात करेगा जैसे वो बड़ा हुआ है, समझो आप। कई बार आप इस बात से परेशान हो जाते हो कि इस आदमी ने मेरे को ऐसा कहा तो क्यों कहा यार, ये आदमी जो है ऐसे क्यों करता है। जैसे आपके ही घर में देख लो, मान लो आपके घर में कोई एक व्यक्ति है जो हर दूसरे दिन आपको कोई ऐसी बात करता है, छोटी बात, हल्की बात, जिससे आपका मन दुख जाता है, आपके साथ वो लड़ाई करता है, और ऐसा पिछले 10 सालों से चल रहा है ना। पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि उसकी प्रकृति है ये, समझे कि नहीं समझे। मतलब पिछले 10 सालों से चल रहा है, पर आप 10 सालों से परेशान होते जा रहे हैं हर बार, और ये हर बार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैठ के, ऐसा क्यों बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि कुछ समय अपने लिए निकालो, शांत रहो, और ये देखो कि हु एम आई है ना, एंड वाई आई एम हियर, मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, क्या मैं यहाँ ये कर रहा हूं, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा क्यों कहा था, कहीं मैं टाइम खराब तो नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट शरीर भगवान ने बना के दिया, क्योंकि ये यहां तो रहने वाला है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये जन्म जन्मांतर तक मेरा ऐसा शरीर रहेगा, कुछ समय का है ये, बहुत कम समय है। अगर आप कभी, शायद आपने इस बात पे विचार नहीं किया होगा, अगर आप 100 साल भी जिंदा रहते हैं तो आपको 36,500 दिन मिलते हैं 36,500 लाख भी नहीं मिलते हैं, हम बातें करते हैं लाख और करोड़ों की, लेकिन एक इंसान अगर 100 साल जीता है तो उसमें उसे मिलते हैं 36,500 दिन, है ना। अब पता चला कि किसी को जब उसकी उम्र 80 साल हो गई, तब जाके उसको ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं करना था जो मैं कर रहा था पूरी जिंदगी, है ना, इसके ऊपर गुस्सा, उसके ऊपर गुस्सा, उसके ऊपर गुस्सा, इससे चिढ़ रहा, उससे चिढ़ रहा, दोस्तों से कंपेयर कर रहा हूं मेरा, है ना, दोस्तों से जेलस कर रहा हूं, ये ऐसा तो कुछ करना नहीं था यार, मुझे तो, मैं तो किसी और चीज के लिए आया था यार। जैसे जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भगवान बिठाएंगे, हाँ बैठ, और कैसे, क्या सब बढ़िया हूँ, अच्छा क्या वो जिस काम के लिए भेजा था वो किया, कौन सा काम भगवान, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे जो सास बड़े पापा है ना, वो उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था, अरे वो बड़े पापा तो वो तो माया थी, वो तो तुझे उलझाने के लिए था, पर जो तेरे को जिस काम के लिए भेजा था वो किया, अरे नहीं वो काम तो कर लेता, पर मेरी जो मौसी है ना, उन्होंने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, तो बोलेंगे देख कोई दिख रहा है तेरे को, ये सब जो मौसी बुआ फूफा, ये सब एक माया है जो आपको आपका काम करने से रोक रहे हैं, और ये इनका काम है, ये माया का काम है। आप एक और चीज समझो गहराई से कि आपको एक तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब आपको है ना, ये आप एक गेम के अंदर हैं, आप एक गेम के अंदर हैं, और इसमें क्या हो रहा है पता है, आपका जो लाइफ का पर्पस है ना, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुकना, आपको ये बात पता ही नहीं और मुझे ये बात पता चल गई, तो मुझे ये बात पता चल गई तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि जैसे किसी मेरे रिश्तेदार के किसी लड़के ने मान लो मेरे ऊपर कोई टोन कसा, कुछ मजाक उड़ाया मेरा किसी बात का, तो मैं विद इन 1 मिनट और 2 मिनट उसको लेट गो कर देता हूँ, चल हट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये माया है, और ये मुझे मेरे पर्पस में, मतलब में गेम को समझना पड़ेगा ना, है ना, वी आर इन द गेम, हम एक गेम में है, और इस गेम में ऐसा चल रहा है कि ये जो फूफा मौसा है ना, ये वो फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ चीट किया, ये सब जो है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये भगवद गीता है, ठीक है, इसके अंदर है ये दिख रहा है आपको, ये तीन महिलाएं दिख रही है, ये तीन महिलाएं जो है ये देखो क्या कर रही है, ये उस नीचे दो लोग हैं, तो उनके हाथ में, जैसे मान लो आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलने जा रहा है, आप आपकी लाइफ का पर्पस क्या है पता है, खुश होना, हैप्पी रहना, इसके अलावा आपको लोगों की सेवा करना और ऊपर वाले का स्मरण करना, भगवान का नाम जाप करना या फिर भगवान का भजन करना,
है ना, और खुद में खुश रहना ऐसा। लेकिन आप जैसे ही भगवान का भजन करना करने जाते हैं, जैसे खुश रहने जाते हैं, है ना, जैसे आपने एक बढ़िया अच्छी सी साड़ी पहनी, और मान लो आप महिला हैं जैसे ना, आपने साड़ी पहन ली और आप किसी शादी में गए और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं उसको पहन के, वाह कितनी बढ़िया लग रही है, आपने कांच में अपने आप को 50 बार देखा और बहुत खुश हैं, और जैसे ही आप शादी में पहुंचे और वहां अब ये माया का काम शुरू हो जाता है कि क्यों ये साड़ी वो तुमने मीशो से मंगाई क्या 250 रुपए में, ये किसी ने आके आपको बोला आपके रिश्तेदार ने कि क्या वो अभी सेल चल रही थी मीशो वाली, तो वो ये वही साड़ी है क्या 250 रुपए वाली, मैंने भी देखी थी उस पे। अब वो साड़ी चूंकि आप लाए थे 5,000 रुपए में, अब आप चूंकि खुश होने जा रहे थे, आपकी लाइफ का उद्देश्य था, अब वो बोल के और वो निकली, अब वहां पे आपका सब मामला फिनिश, ना तो आप खाना अच्छे से खा पाओगे, ना आप डांस कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप फोटो अच्छे से खींचा पाओगे, आपका फोटो का मुंह ऐसा रहेगा, मेरे को उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, अरे जिसने बोला है वो उसकी प्रकृति है, वो उसका काम है, ठीक है, वो उसकी प्रकृति है, उसको वो किस परिवार में व्यक्ति बड़ा हुआ, कैसा उसको सिखाया गया, कैसे लोगों में रहा, कैसे दोस्त थे, तो वो वैसी बात करेगा, समझ गए, वो नेगेटिव बात ही करेगा, वो कभी पॉजिटिव बात नहीं करेगा। आप कभी जैसे मेरे पास आओगे ना, आप कभी मेरे सामने बैठोगे, आप मैं आपकी गलतियां नहीं देखूंगा कभी, है ना, मैं जो है आपसे अच्छे से बात करूंगा, और मैं कभी भी आज तक मैं किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं देखता हूँ, किसी ने भी कोई भी गलतियां करी मैं उसकी अच्छाइयां देखता हूँ, क्योंकि मुझसे मुझे इससे हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलतियां देखूंगा तो मैं परेशान होऊंगा कि इसने ऐसा किया था 5 साल पहले, और मैं आगे का सुख भी नहीं भोग पाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंड तो उधर लगा हुआ है, इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा, मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार है जैसे, तो उसने आज से 10 साल पहले मुझे बड़ा मतलब कुछ लोगों के सामने जलील किया, और मतलब ऐसा किया कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करे तो वो बोले नहीं उससे जिंदगी में, पर मैं उस चीज को भूल गया, और आज उसकी कभी मदद मेरी लगती है तो मैं हेल्प करता हूँ, और मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूँ, मैं उसका भला भी चाहता हूँ, भगवान इसका भला करे, ऐसा नहीं है कि मैं उसको, क्योंकि उसको लेके अगर बैठा रहूंगा ना तो उससे मेरी वाइब्रेशन लो होगी, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम नहीं करेगा, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, गाड़ी नहीं आएगी, तो मैं ये क्यों चाहूंगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं आए, मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास अच्छी सी गाड़ी आए, पर गाड़ी कब आएगी, जब मैं ये जो चीजें हुई है पास्ट में मेरे साथ इनको माइंड से बाहर रखूंगा, जैसे मान लो ये चीज हुई आज से 5 साल पहले, किसी ने मुझको बहुत क्रिटिसाइज किया, तो इसको यहां से निकाल के साइड में रखना पड़ेगा कि भैया देख मेरे को चाहिए गाड़ी, मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को चाहिए खुशी शांति, तो तू वहीं बैठा रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो केवल एक माया है। तो ये गीता जी में बड़ा अच्छी तरीके से बताया गया है कि इंसान को, इंसान एक गेम के अंदर है, और उसको उसके पर्पस से रोका जाता है, और वो रोकने का काम भी भगवान का है, वो रोकता है, पर अब जो समझदार आदमी होता है जिसको ये बातें पता होती है, तो वो बड़ा तरीके से निकल जाता है, और जिसको नहीं पता होती है तो वो ऐसे लोगों को भी कमेंट कर रहा है जिसको वो जानता भी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ना कि यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखा, जैसे मेरा वीडियो देखा पसंद नहीं आया, तो आदमी एक बड़ा सा कमेंट कर रहा है अपना समय खराब करके, अरे तुम बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, बनाना लिमका ये, और फिर उसका दिमाग भी खराब कर रहा है अगले 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे तक, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते लोग, जबकि उसको जैसे नहीं समझ में आया तो उसको स्किप करके दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि ऐसे तो भरे पड़े हैं लोग, और ऐसा तो नहीं कि हर एक की बात आपको समझ में आ जाएगी, तो हमको लेट गो सीखना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमको यार लेट गो करना है, क्यों, क्योंकि हमको हाई वाइब्रेशन चाहिए, और हाई वाइब्रेशन तब होगी जब आप हैप्पी रहेंगे, हर चीज पे दुखी नहीं होना है, और ऐसी चीज पे दुखी नहीं होना है जिसको रोकना आपके बस में भी नहीं है, समझ गए, ये वाली बात है। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये है कि हमको बेसिक सुधारना पड़ेगा, और जब हम बेसिक सुधार लेंगे तो उसके बाद आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक बिना टेक्निक के काम करेगी, आपके पास सब कुछ चीजें अपने आप आने लग जाएगी, और आपके अंदर जो वाइब्रेशन है उसी का पूरा खेल है। हाँ, जिस व्यक्ति की वाइब्रेशन हाई है वो आज ग्रो कर रहा है, जिसकी वाइब्रेशन लो है वो माइनस में जा रहा है, तो आपको वाइब्रेशन हाई करना है, ये कैसे करना है तो ये हम बताएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है, चलिए। तो अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है, कल से क्लास आपकी ऐसी होगी कि मेडिटेशन हम शुरुआत में करते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम क्लास करते हैं, ठीक है,
हाँ क्वेश्चंस बाद में लेंगे प्रियंका जी, पहले आप है ना मेरा पूरा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, फिर आखिरी में आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? चलिए थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। हाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जवाब भी देता रहूंगा मेरे हिसाब से बीच बीच में। चलिए आंखें बंद करिए जरा, एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। और मैं वापस से एक बात कह रहा हूँ कि देखो, जिसको समझ में आना होगा उसको आ भी जाएगी, ठीक है? जिसको आगे बढ़ना होगा वो पहुंच भी जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है? मेडिटेशन कल से शुरू करते हैं फिर, ठीक है? कल से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। सर आज के क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इसी कोर्स में क्या होता है, जैसे आप ये क्लास खत्म हुई ना, इसके कुछ घंटों बाद रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना? तो आप उसको देख सकते हैं। और ये क्लास में बीच में जैसे कभी मैं आपको प्रैक्टिस भी दूंगा कुछ करने के लिए, अपन अपने तरीके से करेंगे इसको, है ना? सर आपकी भाषा मुंशी प्रेमचंद मैंने कहा ना मेरा कुछ नहीं है। देखो हम सब पता है हम कौन है, हम कर्मचारी हैं ऊपर वाले के, हम उसका काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। सर दिमाग में काफी क्लियरिटी आई आज की क्लास से, थैंक यू। और आएगी धीरे धीरे, आप समझोगे चीजों को। देखो मैंने आपको एक चीज कही कि ये जहां पे आप है ना एक जादुई दुनिया है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि करना क्या है। और बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, खुश रहना है, खुश रहने के बहाने ढूंढना है, फिर आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और यूनिवर्स जो है उधर से जो आपके ब्लॉकेज है वो खोल देगा, बोले जाने दो, पैसा जाने दो, सब कुछ जाने दो, ऐसा, ठीक है? चलिए तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हेलो ललिता, मंदसौर में कहाँ रहते हो? मंदसौर में मैं अपने घर में ही रहता हूँ, है ना, नवकार सिल्वर कॉलोनी, संजीत रोड। आपकी क्लास में पहले भी क्यों बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सर। आपकी क्लास में नाइन्थ नाइन्थ टाइम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता रहे, लेते रहो। ओके थैंक यू एवरीवन। काफी नेगेटिव रहा है जीवन, अरे आप पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? ओके डिंपल सर, क्या आप भोपाल से? नहीं मैं भोपाल के पास हूँ, पास तो नहीं हूँ, 300-400 किलोमीटर दूर है। पॉडकास्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, स्पीकिंग ट्री पे हुआ था वो वाला, अभी कल शायद, कल या परसों आएगा। चलिए ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं फिर हम कल, है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।